आदाब नाज़रीन, मैं हूँ वसीम ख़ान और आप लोग देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल पर 3D होलोग्राफिक वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर और यहाँ जाकर आप सर्च कीजिए होलोग्राफिक 3D वॉलपेपर्स। यहाँ ऊपर ही आपको नज़र आएगा 3D वॉलपेपर्स। इस 3D वॉलपेपर होलोग्राफ्स पैरालैक्स को ओपन कर लीजिए। इसको ओपन इंस्टॉल कर लेने के बाद इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो इसका फ्रंट कुछ ऐसा होगा। इसके बाद यहाँ आपको कुछ इमेजेस नज़र आ रहे होंगे और यहाँ एक्सप्लोर का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर आप अपनी पसंद की जो भी वॉलपेपर हैं उसको डाउनलोड कर लें। इसको डाउनलोड करने के बाद इस तरह जो हमने डाउनलोड किए वो यहाँ पर आप दिखाई देंगे। इस तरह इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ इसको एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। एक ही वॉलपेपर को 2-3 स्टाइल में एडिट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ दिखाया गया। देखिए अलग अलग इमेजेस आएंगे, या फिर अगर आपको ये पसंद है जैसा है वैसा ही पसंद है तो आप यहाँ जाकर इसका प्रीव्यू देख सकते हो कि आपको अपने मोबाइल पर ये कैसा नज़र आएगा। इसके बाद अगर आप सेटिंग्स पर जाओगे यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि डबल टैप चेंज करने से आपका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कितने इसमें ये काम करे ये। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो चेंज वॉलपेपर भी है। इसको आप अपने टाइम हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आपकी मर्ज़ी मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हो। जब आप इसको सेट कर लोगे, पूरे ऑटो चेंज वॉलपेपर लगा दोगे, फिर इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे आप कट करोगे आपके मोबाइल पर इस तरह से वॉलपेपर्स आ जाएंगे। जब आप डबल टैप करोगे तो मोबाइल चेंज होगा, वॉलपेपर चेंज हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। और ये सिर्फ वॉलपेपर पे ही नहीं, लॉक स्क्रीन पर भी काम करता है। जैसे कि आप इस वक्त देखिए, ये देखिए जैसे लॉक स्क्रीन पर भी काम कर रहा है वॉलपेपर। ये ऐप बहुत ही धांसू ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है। मैं आप लोगों से एक बार इसको ट्राई करने की ज़रूर गुजारिश करूँगा। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टेड ऐप के साथ या फिर किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।